बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें बताया था कि एयर कूलर अगर आप नया ले रहे हैं तो उसकी कूलिंग और मोटर की लाइफ कैसे बढ़ाएँ, तो उसी में कुछ और एक दूसरा कूलर के बारे में, वो गैलेक्सी मॉडल था। और ये देखिए, ये कूलर किक मॉडल है। ये देखिए, ये किक मॉडल का एक दूसरा कूलर है और इसमें घास लगा हुआ है इसके पल्लों में और उसके पल्लों में पैड लगा हुआ था। तो अभी दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा और कुछ और जैसे कि पाइप मुड़ जाना, वो अभी इसमें दिखाने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। देखिए, जैसे पल्ला मैंने खोला और खोलने के बाद इसको बाहर निकाला। ये देखिए, निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जिन जो लड़के फिटिंग करते हैं तो फिटिंग में जो गलती रह जाती है, जैसा कि मैंने पाइप के बारे में बताया था, तो आप देख सकते हैं ये पाइप यहाँ पर कैसे ये चौक हुआ पड़ा है और फोल्ड है। अब अगर कोई नया कूलर ख़रीदता है इस कूलर को और ले कर जाता है, वैसे ही पानी डाल देता है और ऑन करता है, ऑन करने के बाद उसको पूरा कूलिंग का मज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पाइप चौक हुई पड़ी है। ये मोटर जो पानी वाली पंप जो है पानी उठाएगी तो उसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा और यहाँ यहीं पे उसका प्रेशर हल्का हो जाएगा और ऊपर जो पानी पहुँचेगा थोड़ा बहुत, तो उससे ये घास पूरी अच्छी तरह से गीला नहीं होंगे और फिर कूलिंग का मज़ा वो पूरा नहीं ले पाएगा। तो यही चीज़ ये देखिए देखना होता है जब आप नया कूलर लाते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये चौक हुआ पड़ा है पाइप को, तो इसे हम क्या करेंगे, इस पाइप को यहाँ से निकालेंगे और इसकी अगर ये बड़ा है तो इसको थोड़ा सा कट करेंगे पाइप को और सीधा करके पाइप को बिल्कुल लगा देंगे, जो कि बिल्कुल जैसे ये सीधा देख रहे हैं ऐसे ही पाइप सीधा होना चाहिए, चौक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें घास लगा हुआ है और उस वाले में हनीकॉम पैड लगा हुआ था। तो हनीकॉम पैड की लाइफ ज़्यादा होती है और उसमें मैं उस वीडियो में एक और बात बताना भूल गया था, जो जिससे कि आपका हनीकॉम पैड की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये और घास की भी लाइफ, जो जिस कूलर में घास है तो इसकी भी लाइफ आप बढ़ा सकते हैं, बशर्ते के आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आप इसमें पानी डालते हैं तो अक्सर जगहों पे खारा पानी आता है और खारा पानी होने की वजह से घास में जल्दी नमक बैठ करके और वो चौक हो जाया करती है। इसी तरह हनीकॉम पैड भी है, हनीकॉम पैड में भी नमक पकड़ करके और वो चौक हो जाया करती है। तो बेहतर होगा कि आप मीठा पानी डालें जिसमें TDS कम हो, 100 150 200 तक TDS वाला पानी आप डालें, जिससे आपको ये होगा कि ये घास जल्दी ख़राब नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी। और इसी तरह हनीकॉम पैड है तो उस वो भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। हालांकि हनीकॉम पैड की लाइफ तो वैसे ही ज़्यादा होती है, लेकिन आप जब खारा पानी डालते हैं तो वो एक ही सीज़न आधे सीज़न में ही वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मीठा पानी डालें और कूलिंग का भी पूरा मज़ा लें। जब नमक इसमें नहीं बैठेगा, चौक नहीं होगा, तो वैसे ही इसमें से एयर ज़्यादा पास करेगा और ठंडा ठंडा हवा आएगी। लेकिन अगर इसमें नमक बैठ जाता है तो ये पूरा पत्थर बन जाता है, सील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर भी पास नहीं होता और ये मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है और वहाँ से आपको ठंडी हवा कम मिलता है और हवा का फ्लो भी कम हो जाता है, जिससे आप परेशान रहते हैं कि ये क्यों हवा कम दे रहा है। तो उसका वजह यही होता है कि ये चौक हो जाते हैं, इसमें से एयर निकलना बंद हो जाता है, एयर पास होना बंद हो जाता है और नमक ज़्यादा बैठा रहता है। तो इसलिए मीठा पानी डालेंगे और होल्सों के बारे में तो बताया ही था, आप उसका ख्याल रखें और इस तरह से ये सारे होल्स क्लियर कर लें। जो मैंने अभी पिछले वीडियो में दिखाया था उसमें शीशा लगा करके आईना से कि ये होल्स कहीं कहीं ब्लॉक हो जाया करते हैं, तो उसको आप क्लियर कर लें। अगर नमक पानी डालते हैं तो उसमें भी कुछ दिनों में ये होल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो आप बीच बीच में उसकी सफाई कर दें, इन होल्स को आप सफाई कर लिया करें। देखिए, जो होल्स हैं ये चौक हो जाते हैं, तो इसकी सफाई कर लिया करें। इससे होगा कि आपकी कूलिंग बढ़ जाएगी आपके एयर कूलर की और मोटर की लाइफ भी बड़ी रहेगी। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पानी ओवरफ्लो होने लगता है, ओवरफ्लो का पानी जब ऊपर से, जब ये घास पे नहीं आएगा और ऊपर से ओवरफ्लो का पानी आएगा तो वो सीधा मोटर पे आएगा और वो मोटर भी ख़राब होगी और एयर की कूलिंग भी अच्छा नहीं होगा। तो यही इस वीडियो में बताना था। अभी मैं पाइप को थोड़ा काट के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पाइप निकालने के लिए चूंकि काफ़ी दिन हो जाता है तो ये पाइप यहाँ पर बिल्कुल स्टिक हो जाती है और चिपक जाती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से यहाँ से पाइप निकालेंगे। ये पाइप, ये देखिए, यहाँ से ये पाइप निकल गया और निकाल कर इसको खोल लेंगे, इसको इसमें से खोल देंगे। ये देखिए, ये खुल गया और ये खोलने के बाद में ये खोलने के बाद में
यहाँ से ये देखिए बाहर निकल गया, और निकल करके ये देखिए पाइप सारा चौक पड़ा है। अब इसको पहले अच्छी तरह हम यहाँ इसको पहले थोड़ा सा पाइप को काट लेते हैं, जो ये बड़ी थी पाइप, इस देखिए थोड़ा सा ऐसे कट कर लिया, जितने भी बड़ी हो उतना कट कर लें। और कट करने के बाद में इसको अब ये यहाँ पर प्रेस कर लें, ये प्रेस कर लिया अच्छी तरह, ये देखिए प्रेस हो गया। अब ये मोटर यहाँ रख करके, यहाँ मोटर रख करके, और आप इसी के ऊपर टाइट कर दें। देखिए अगर ये होल्स के ऊपर ये चीज़ बैठ जाती है तो पानी यहाँ से थोड़ा कम आएगा और बाहर भी निकल सकता है, इसलिए आप इसको ऐसे बगैर इस होल्स के ऐसे डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लगाया, ये डायरेक्ट लगा दिया, अब ये टाइट हो गया। यहाँ पे आप ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप अच्छी तरह इसको प्रेस कर दें, ये देखिए ये बिठा दिया यहाँ पे, ये देखिए अब बैठ गया ये। अब हम इसका ये चीज़ देखेंगे, अभी आप देखिए यहाँ से ये पाइप का तीनों जो टी यहाँ पर लगा हुआ है, वाई जो लगा हुआ है, तो अब इसको सारी पाइपों को ऐसे चेक करेंगे। देखिए ये पाइप कहीं से भी अब फोल्ड नहीं है, ना ही चौक है, ये बिल्कुल सीधा है, वो भी सीधा है। तो इस तरह से ये सारे पल्ले में बिठाते हुए इस पल्ले को भी जब हम बिठाएंगे तो एक बार नज़र मार लेंगे कहीं से पाइप चौक तो नहीं है, और इस तरह से ये पाइप सारा सीधा जब नज़र आएगा तो ये समझिए कि बिल्कुल अब ठीक हो गया, और कूलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए किसी किसी में ये क्लिप यहाँ ऊपर बना हुआ है, और जो पहला वीडियो दिखाया था उसमें ऊपर नहीं था क्लिप, तो इस तरह से ये देखिए बैठ गया आराम से। इसको पुश कर दिया और फिर यहाँ पर स्क्रू हम लगा देंगे, टाइट कर देंगे इसको, और फिर इसको हम ऑन करेंगे। जैसा कि बताया कि पहले हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए इसको ऑन करेंगे, और सबसे पहले हम ये देखेंगे ये मूव कर रहा है कि नहीं, ये देखिए मूव हो रहा है, राइट लेफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद पंप को चेक करेंगे, ये देखिए आवाज़ आ रही है, पंप चालू हुआ। अब इसका एयर को हम चालू करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया हवा आ रहा है। तो इस तरह से ये सब, और ये देखिए नट बोल्टों को भी जैसे बताया था उस वीडियो में भी, ये नट बोल्टों को ये देखिए ढीला है, थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे, और इसको भी टाइट करेंगे, और सबको टाइट कर लेंगे। और ये इसका ये देखिए ये भी सब ठीक है, ये इसको पेचकस से थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, और इस तरह से ये 110 की मोटर वाली ये कूलर फिट हो गई। अब हनी कम पैड और घास में कम से कम 250 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।